दिव्या तूने गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके बीच लिंग संदर्भ में भेदभाव यानी कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड देयर रिलेशनशिप इसके बारे में आपके बीच कुछ बताना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है लिंग संदर्भ में भेदभाव। देखिए बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल में लिंग संबंधी मुद्दे ये सब हमारे समाज में होते रहते हैं बाल्यावस्था से ही यानी बचपन से ही ऐसा देखा गया है कि लिंग संबंधी मुद्दे और भेदभाव होते रहते हैं। लड़का लड़की में भेदभाव यानी बालक और बालिका में भेदभाव हर क्षेत्र में देखा गया है कि भेदभाव होते रहता है। अब देखिए पहला मेरा टॉपिक है बच्चों की पढ़ाई में भेदभाव। आप देखते होंगे कि जिस घर में लड़का या लड़की होते हैं वहाँ पर देखिए कि बच्चों को जो लड़का होते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल देते हैं और बच्चिया को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे शिक्षा आप लड़कों को देना चाहते हैं उसी प्रकार लड़कियों को भी शिक्षा दीजिए। किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए है ना। दूसरी बात है रहन सहन में भेदभाव। रहन सहन में भी भेदभाव देखा गया है। आप देखते होंगे कि लड़कों को बड़े बड़े हॉस्टल में या अपने यहाँ से सुदूर दूर इलाके जैसे पटना मुंबई हरियाणा बहुत जगह पढ़ने के लिए भेज देते हैं लेकिन लड़कियों को देखा जाता है कि बस गांव में ही शिक्षा बस मैट्रिक हो गया इतना ही बहुत है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि समान अधिकार मिला है दोनों को तो समान ढंग से पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। विद्यालय संबंधी भेदभाव जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं पहले भी मैं बताया हूं विद्यालय संबंधी भेदभाव। विद्यालय में देखते हैं कि निजी विद्यालयों में लड़कों को पढ़ाते हैं या फिर उससे पूछे जैसे आप बच्चों की पढ़ाई में भेदभाव और विद्यालय संबंधी भेदभाव दोनों का एक ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नहीं दोनों में अंतर है सर। ये जो है विद्यालय संबंधी भेदभाव ये विद्यालय में हुआ निजी विद्यालय और एक हो गया सरकारी विद्यालय। यही चीज तो आप पहला वाला भी बताएं ना बच्चों की पढ़ाई में भेदभाव बच्चों की पढ़ाई उच्च शिक्षा देते हैं और बच्चियों को निम्न शिक्षा देते हैं दोनों में अंतर है कि नहीं। बच्चा को भेज देते हैं पटना वगैरह इधर उधर पढ़ने के लिए और लड़कियों को गाँव में ही छोड़ देते हैं कि जाओ वही सरकारी स्कूल में पढ़ो इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए इससे ज्यादा नहीं। किसी तरह मैट्रिक फेल करवा देते हैं उसके बाद नहीं। ये देखा गया है विद्यालय में सह शिक्षा का अभाव। बहुत से विद्यालय है अपने यहाँ सरकारी विद्यालय देखिएगा वहां पर तो भेदभाव पूरे होता है वहां पर कोई एजुकेशन है ही नहीं। विद्यालय में सह शिक्षा का अभाव देखा जाता है कि लड़का लड़कियों में भेदभाव होता है एक साथ लड़का लड़की नहीं बैठ सकते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी विद्यालय में लड़का या लड़की पढ़ते हैं तो एक साथ बैठ सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं होनी चाहिए। अब है शिक्षा में भेदभाव। उच्च शिक्षा जो है वह लड़कों को उच्च शिक्षा दिया जाता है और लड़कियों को निम्न शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है से हमारे अगल बगल हर क्षेत्र में बालिकाओं की भागीदारी पहले हुआ करता था कि बच्चियों को लोग सेना में नहीं जाने देते थे और ऊपर से भी दबाव होता था लेकिन अब हर जगह हर क्षेत्र में सेना हो या घुड़सवारी हो कोई भी चीज में
अब लड़कियां भी जा सकती है समान रूप से, हर क्षेत्र में बराबर उसको मिला है। जितना लड़का का हक है उतना लड़कियों का भी हक है। देखते हैं पंचायती राज्यों में 50%, इस बार हम एक क्वेश्चन देखे थे मैट्रिकुलेट में आया था 50% भागीदारी 50% का भागीदारी है महिला का है ना पंचायती राज्यों में। और सेंट्रल में तो जानते ही आप 33% है, आप पंचायती राज में 50%। अगर चुनाव लड़ना है या जो भी कुछ भी कार्य है पंचायत में उसमें बराबर बराबर है, पुरुष और महिला सबका बराबर है। इसलिए लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका बराबर भागीदारी है। अब है भ्रूण हत्या, ये बहुत ज्वलंत उदाहरण है हमारे समाज में देखा जा रहा है भ्रूण हत्या। अब देखते हैं जब भ्रूण हत्या, जब देखते हैं कि लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या करवा देते हैं और लड़का है तो लड़का में कोई डाउट परंतु नहीं। लड़कियों में ऐसा देखा गया है भ्रूण हत्या का मामला, ये भ्रूण हत्या देखिए, अगर लड़की है तभी तो हम है, जननी है, माँ जो होती है जननी है, उसी से ये सारा संसार संसार चलता है और उसी को आप दूर करते जा रहे हैं। ऐसी समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि वो है तभी हम है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आगे है आपका धर्म संबंधी भेदभाव, धर्म में भी भेदभाव देखा गया है, गांव समाज पूरे देश में धर्म संबंधी होते रहता है कि हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है आपस में दंगे करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्म सभी मजहब एक समान है, सभी धर्म में ऐसा कहा गया है, ये जो कुरान है बाइबल है या भगवत गीता है गुरु ग्रंथ है सभी में दिया गया है जीवों की हत्या नहीं करना, ऐसा नहीं है जीवों को मार के खा सकते हैं। सर लिंग के संदर्भ में धर्म संबंधी भेदभाव बताइए ना, तो आप आगे संबंधी जो होता है उसमें देखते हैं आपकी हर धर्म में अपना अपना अलग अलग होता है रहन सहन पहनावा ज्यादातर देखा गया है कि महिलाएं ही हर क्षेत्र में पर्व त्योहार या कुछ करते हैं, लेकिन अब कुछ हम देखते हैं कुछ पर्व जो है बिहार में खासकर छठ पर्व अब देखने को मिला है कि कुछ पुरुष भी करने लगे हैं, ऐसा देखा गया है पुरुष लोग भी इस व्रत को करते हैं। वो मान लीजिए या मनौती हो या जिस ढंग से भी हो लेकिन करते हैं और उसमें पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे की ओर अब बढ़ रहे हैं, हमारा देश में भी हो रहा है इस तरह का। अब आगे सामाजिक एकता भेदभाव, समाज में हम रहते हैं तो समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, हर धर्म के लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें कहीं भी किसी तरह का दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता ये सबसे बड़ी हमारे गांव में है।